गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 7 बज गए हैं और मैं उठ गया और कनक भी उठ गई है। देख सकते हैं आप। कनक गुड मॉर्निंग कर, ऐसे थोड़ी ना बोल के कर। गुड मॉर्निंग बोलिए। और ये कनक देखो, इसको हर रोज फाड़ लेती है ये गाल के, और यहाँ पे इसके आ जाते खून। देख कनक क्या हो गया, दिख रही है? देख क्या हो गया। तो अभी चाय कॉफी कुछ आएगी वो हम पियेंगे। अभी उठे जस्ट 5 मिनट पहले। कनक तो काफी देर से उठ गई, रोने लग रही थी, हाय कर रही है। तो गाइस करके अपना काम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी रेडी होना है। और मेरा भाई का दिल्ली का रूट बन रहा है। कल भी भाई दिल्ली गया था, आज फिर जा रहा है। पलवल अभी नहा रहा है जस्ट उठते के साथ। और ये शशांक भी आ गया, देखो कैसे हो रहा है। सीधा बैठा कर, थोड़ा ऐसे मुड़ा रहता है तू, कितना भी बोल लो इसको इसकी समझ नहीं आती बात, है ना शशांक? आते हैं। नहीं, अब तभी तो ऐसे मुड़ा रहता नीचे की तरफ। अरे काजल की भी कल तबीयत खराब थी, अब ठीक लग रही है शायद, है काजल? तो कितनी सर्दी है, कैसे उठ के बैठी काजल तो? तो हम चारों कहाँ बैठे पता आप लोगों को? हमारे चूल्हे के पास आग जला करके, देख सकते हैं आप। है काजल, स्कूल में जाओगे? तो ये तू भी जाएगी? ओहो अच्छा, काजल कनक भी जाएगी स्कूल में। ये सिर्फ इनको छोड़ने के लिए जाती है बस तक, है ना, फिर वापिस आ जाती है। हमारे पास जो नहर है उसका काम चला हुआ था, वो बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। उस साइड पुलिया है, पुलिया से लेके और आगे तक बन चुकी है, देख सकते हैं काफी दूर तक। लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं बनी है वो, मैं आपको जेसीबी दिखाता हूँ, वहां तक बनी है बस। वो पोकलैंड मशीन चली हुई है, उससे आगे अब बननी स्टार्ट होगी। काफी दूर है, तो मैंने जूम किया था, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं वहां तक बनी हुई है बस। और ये देखिए आप। और अब मैं कर लेता हूँ नहाने की तैयारियां। कनक आगे गिर जाएगी तू, पीछे हो जा, पीछे हो जा, चल पीछे आ जा। हाँ जेबीसी, कनक जेसीबी को जेबीसी बोलती है। चल इस साइड के आ जा, इस साइड आ जा, इस साइड। हाँ शाबाश। अभी 9:30 बजे हैं और मैं आ चुका था अपनी शॉप पे। सारा काम तो अपना हो चुका है, धूप में बैठा हूँ मैं यहाँ। तो आज का कुछ इतना कोई खास प्लान नहीं है, बस सारा दिन यही शॉप पे रहना है। अगर कुछ अलग से होता है और मैं अगर कहीं गया तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाता हूँ। एक जगह जाना तो है मुझे, देखता हूँ वहाँ अगर कुछ ऐसा माहौल बना दिखाने का तो जरूर दिखाता हूँ। भाई अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। अभी आपने पीछे मेरी एक क्लिप देखी छोटी सी, उस क्लिप में और इस क्लिप में शायद थोड़ा सा फर्क है दिखने में, तो कमेंट करके बताना ये क्या फर्क है। बस वीडियो में नजर आएगा, वीडियो देख के आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो कमेंट जरूर करना कि क्या फर्क दिखाई दे आप लोगों को। अभी का प्रोग्राम ये है कि आज जो यहाँ पे हमारी शॉप्स हैं उन सबको जाना है एक शादी में। ये गांव में ही एक शॉप वाला है, उसके लड़के की शादी है, तो सब लोग वहां जाएंगे और हम घर जाएंगे थोड़ा सा लेट, ज्यादा नहीं। अभी शाम के 6 बजे हैं, बाहर अंधेरा हो चुका है देख सकते हैं आप। तो सारे दुकान वाले सबका इनविटेशन है जाने के लिए, नजदीक ही है इसी गांव में, तो आज हमें जाना है शादी में। और देखते हैं, आज कुछ खास नहीं था आप लोगों को दिखाने के लिए, कुछ ज्यादा नहीं दिखा पाया मैं, सारे दिन से ही था अपनी शॉप पे ही। तो देखते फिर शादी में जाकर क्या कुछ होता है।
मैं आ चुका हूँ अभी घर पे। आप लोगों ने अभी क्लिप देखी थी, मैं गया था एक शादी में, जो मैंने बताया था दिन में कि हमारे नजदीक एक दुकानदार है, उसके लड़कों की शादी, तो वहां गए थे हम। जितने भी दुकानदार थे वो मैं सारों को दिखा नहीं पाया, थोड़ा बहुत आपको दिखाई दिए होंगे वैसे। और जल्दी घर पे आ गया, अभी 8 भी नहीं बजे, 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। और याद तो कनक मेरे पास आ गई है। कनक हाय कर दे, बोल के कर। तो खाना वाना तो मैं खा के ही आया हूँ आज, खाना नहीं खाना। और मेरा भाई गया था पलवल, गया था ससंग पलवल गया था, जैसे कल दिल्ली गया था तो आज गया था पलवल। और दिल्ली दिल्ली नहीं पलवल, दिल्ली कल आज पलवल। हाँ तो भाई थोड़ी देर में आने वाला है, मैंने फोन किया था 1 घंटे पहले, तब काम बता रहा था मानेसर के पास, पता नहीं ऐसे कुछ बताया था, मेरी याद नहीं है। तो अभी आने वाला है, लगभग आधा 1 घंटा और लग जाएगा। तो यहाँ पे शशांक भी है, ये टीवी देख रहा था, क्या चला रखा था, सिंचन सिंचन चला रखा है, मैंने आवाज को धीरे करवा दिया, तो ये अगर खड़ा होगा यहाँ पे। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर जब सोएंगे उस टाइम पे, क्योंकि अभी मैं वीडियो का एंड नहीं कर रहा हूँ अभी तक। कनक देखो, हाँ क्या हो गया कनक, क्या हो गया, क्या ये क्या है, और ये आ गई मेरी माँ, भैंसों को बांधने के लिए गई थी बाहर। हमने भैंसों को अंदर बांध दिया है क्योंकि सर्दी काफी तेज हो रही भैंसों के लिए, तो उनको सर्दी ना लगे। क्या बाबू सुनाओ, बाबू बाबू वाला मतलब हरियाणवी गाना कह रही है ये। चलाऊं रुक जा, अभी थोड़ी देर में चलाऊंगा, ठीक है, एक ही बार चलाऊंगा बस, फिर बंद कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो पिछले व्लॉग में आप देखा, मैं गया था शादी में और रात को घर आ गया था, काफी जल्दी आ गया था, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग का एंड नहीं कर पाया था। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सूरज देवता वहां निकल रहे हैं, दिखाई दी नहीं दे रहे, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग, कमेंट करके जरूर बता दें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।